हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लिटल, वेलकम टू द डॉक्टर एनिमल आवर। पर आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारा जो स्टार टॉर्टल है वो मिट्टी खाता है, पत्थर के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, जो स्टोन के जो पीसेस होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े खाता है, अगर रेत में रखें तो वो रेत खाने लगता है, अगर ऐसी कहीं उसको ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर कि दीवार है तो वो दीवार को चाटने लगता है, दीवार के जो सीमेंट है उसको खाने लगता है। तो ये ऐसा वो क्यों करता है? क्या उसे कोई बीमारी हो गई है या उसे कुछ और कोई तकलीफ है? किस वजह से ऐसा कर रहा है? तो देखिए, इसका सबसे जो बड़ा रीजन है वो उसका जो ये जो समस्या जितनी भी होती है कि पत्थर खाना या मिट्टी खाना या जो सीमेंट वाली जो दीवार है दीवार को खाने की कोशिश करना, या अगर आपने अगर उसको रेत में रख दिया है तो रेत वाली जगह पर रखा तो रेत खाने लगता है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने के कारण वो इस तरह से हरकतें करने लगता है। टॉर्टोइज को कैल्शियम की कमी होने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और इसमें जो सबसे बड़ा जो इसके लिए घातक होता है वो है इसका जो सेल है वो क्रैक होना, सेल कमजोर हो जाना, इस तरह की समस्याएं टॉर्टोइज में, स्टार टॉर्टोइज में अक्सर होती है। और आपने देखा होगा कि अक्सर आपके टॉर्टोइज की जो सेल है वो भी हल्का हल्का कहीं से पपड़ी निकलने लगती है इस तरह से। तो ये जो दीवार को चाटना, रेत खाना, मिट्टी खाना, पत्थर खाना, छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े रेत खाना, ये जो सारी जो इसका जो मेन जो इसका जो कारण है वो है उसके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होना। कैल्शियम की कमी होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप कैल्शियम का पाउडर ला सकते हैं, कैल्शियम डस्ट या किसी भी तरह का जो कैल्शियम का जो पाउडर होता है, डस्ट होता है उसका, वो ला के जैसे आप उसको खाना देते हैं, जिस तरह से हम हमारे खाने पर नमक को स्प्रिंकल करते हैं उस तरह से उसके टॉर्टोइज स्टार टॉर्टोइज के खाने पर हल्का सा स्प्रिंकल करके फिर उसको खाने के लिए देना है। तो इसके बॉडी में जो कैल्शियम की कमी होती है वो इससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, उसके बाद में ये सारी जो ये जो हरकतें कर रहा है वो मिट्टी खाना, रेत खाना, पत्थर खाना, दीवार को चाटना, ये सारा ही बंद कर देगा वो, क्योंकि उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसको कुछ चीज़ों की नीड होती है। वो जब वाइल्ड में रहता है, जब फॉरेस्ट में रहता है, जब जंगल में रहता है, तो वो अपनी जो तरह तरह के पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, पत्तियाँ वगैरह सब कुछ खाता है, तो उसकी जो बॉडी को जो कैल्शियम की और सभी तरह की जो नीड होती है वो पूरी कर लेता है। लेकिन हम अगर अपने घर पर रखते हैं तो हम उसको स्पेशली सिर्फ वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स वगैरह यही खिला सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की घास उसको नहीं खिला सकते हैं। उस कंडीशन में उसकी जो बॉडी को जो कुछ उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कुछ चीज़ों की, वो हम उसकी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो कैल्शियम की कमी हो जाने पर ये इस तरह के ये सारे उसके एक्टिविटी करने लग जाता है, दीवार चाटना और ये रेत मिट्टी वगैरह खाना। इससे बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको कैल्शियम का पाउडर आप उसको खाने के साथ में स्प्रिंकल करके दीजिए। जब पत्थर और रेत और इस तरह की जो चीज़ें वो खाता है, सीमेंट वगैरह, तो क्या उसके बॉडी में कोई नुकसान हो सकता है? जो बिल्कुल नुकसान उसको हो सकता है, उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो उससे डैमेज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब अगर आपका जो टॉर्टोइज है पत्थर खा लेता है, रेत खा लेता है, मिट्टी खा लेता है, या सीमेंट की कोई भी चीज़ खा लेता है, किसी तरह की हार्ड चीज़ खा लेता है, या कोई मेटल खा लेता है, तो जब वो उसका मोशन होता है उसके साथ में वो उसको कभी निकल जाता है और कभी अंदर ही वो रह जाता है। अगर निकल भी जाता है फिर भी उसके बॉडी के अंदर वो डैमेज करेगा ही करेगा, और अगर नहीं निकल पाता है तो उसकी बॉडी के अंदर परमानेंटली उसको डैमेज कर देगा।
फिर कुछ दिनों में वो खाना बंद कर देगा, सुस्त रहने लग जाएगा, उसकी आंखें बिल्कुल लाल होने लग जाएंगी, एक जगह से हिलेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन उसकी हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आ पाएगा कि इसे हुआ क्या है, क्या ये बीमार हो गया है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या क्या हुआ, ये समझ नहीं आएगा। ये समझ तब आएगा जब हम इसके एक्सरे करके जब देखते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर इस तरह की कोई चीज़ अगर मौजूद रह जाती है तो वो एक्सरे से पता चल पाती है। लेकिन मोस्टली हमें ये नहीं पता चल पाता कि उसको हुआ क्या है, क्योंकि वो अच्छे से खाना खाते खाते बिल्कुल अचानक से खाना खाना बंद कर देता है, घूमना फिरना बंद कर देता है, सारी उसकी एक्टिविटी बंद कर देता है, और ये उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए आप अपने टोर्टोइस की ध्यान रखें, अगर इस तरह से अगर वो कोई भी हरकत कर रहा है, मिट्टी खाना, रेत खाना, पत्थर खाना, दीवार को चाटना, दीवार को खाने की कोशिश करना, सीमेंट के टुकड़े खाने की कोशिश करना, या फिर इस तरह की कोई भी हार्ड चीज़ अगर वो खा ले, तो इस तरह का जो ट्रीटमेंट है आपको उसको देना चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, आप इसको कैल्शियम का पाउडर दीजिए, आप कोई से भी ब्रांड का आप इसको कैल्शियम का पाउडर दे सकते हैं। वो एक्चुअली बोन डस्ट होता है, बोन जो होती हैं एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं उसका डस्ट होता है, बोन डस्ट होता है कैल्शियम पाउडर। मैं यहाँ पर किसी का भी, देखिए मेरा ये जो इसमें कोई से भी ब्रांड का मेरा ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होता है, स्पॉन्सरशिप मेरी नहीं होती है कि मैं किसी ब्रांड का प्रचार करूँ। आप कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपके पास जानकारी पहुँचाना, जिससे कि आपका जो टोर्टोइस है वो अच्छे से उसकी बॉडी ग्रो हो, अच्छे से वो रह सके, हैप्पी रह सके, और ये जो इस तरह के जो जीव हैं उनको बचाने की एक मुहिम है, इसमें आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। इसीलिए मैं किसी भी ब्रांड का यहाँ पर प्रमोशन नहीं करता हूँ, आपको जो भी अच्छा लगता है आप कोई सा भी ब्रांड आप ले सकते हैं। बेसिकली होता वो सभी तरह का जो है बोन डस्ट होता है, यानी कि हड्डियों का जो डस्ट होता है, बोन का जो डस्ट होता है, वही कैल्शियम पाउडर होता है, कैल्सी डस्ट, और इस तरह से कई के नामों से बिकता है। आप कैल्शियम का पाउडर आप सर्च कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है कहीं, अगर आप लोकल आपके शॉप पे अगर मिल जाए कैल्शियम का पाउडर तो वो आप दे सकते हैं। ये आप करेंगे तो कुछ दिनों में आपका जो टोटल है, मिट्टी खाना बंद हो जाएगा, रेत खाना बंद हो जाएगा, पत्थर खाना बंद हो जाएगा, सीमेंट खाना बंद हो जाएगा, दीवार को चाटना बंद हो जाएगा, और आप देखेंगे कभी वो दीवार को खाने की कोशिश करता है, ये जो सारी उसकी हरकत है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये जो आपको मैंने बताया है ये आप अपने टोर्टोइस पर लागू करें अगर आपका टोर्टोइस इस तरह से हरकत कर रहा है। मित्रों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ पूछना चाहें तो, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें जिससे कि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी हो पाए और जो इन जीवों को बचाने की जो मुहिम है उसमें वो भी सहयोगी बन सकें। और अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।